हे गाइस, यह वर्सोवा बीच जहाँ पे एक्टर्स ऐसे घूमते रहते हैं। अब जिस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारे काबरा सर जा रहे हैं। इनको आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में एज ए विलन देखा होगा। और ये इनकी पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता, बट ये काबरा सर है। कल ही मैं अदनान से मिला था। वाह यार, कमाल का। ये मुर्गे, ये चूहे भी घूम रहे होंगे। क्या बात है, आज तो बिल्लियां दिखी नहीं। ओ ये ही बिल्लियां देखो गाइस, कितनी फ्रेंडली गली है। यहाँ पे मुर्गे, चूहे, बिल्ली सब एक साथ रहते हैं। आज आरामनगर में 2 से 3 जगह पर ऑडिशन है, तो सारे के सारे जा रहे हैं। मजा आएगा, देखते किसका किसका कैसा कैसा ऑडिशन जाता है। सारे स्टार निकले सारे स्टार निकले आज। ये मॉडल है गाइस, लुक देखो इनका। सबकी हवा निकल गई यहीं आते आते गए। बस हवा निकल गई। और ये मेरा हाथ से मेरा फोन छूटा अभी अभी। गाइस इरफान सर इसी में है, उनको दफनाया गया था। तो हर ब्लॉग में बताता रहता है। गाइस रियाज चल रहा है, दिस इज कॉल्ड हमिंग। यहाँ सबकी हालत टाइट हो चुकी है। घर से सब हीरो बन के निकले थे, यहाँ सबकी जीरो बज चुके हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है। आरामनगर हमारे यहाँ से 3.5 किलोमीटर है, पैदल ही जा रहे हैं सारे। मज़ा आ रहा है। सारे बोलो हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे? सारे बोलो हैप्पी बर्थडे। जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे। कुछ भी, कुछ भी। तुम 4 महीने बाद तो यहाँ आए हो, तुम्हारा दिल भी खुश हो जाता है। अभी बीच में ही तो आए थे यार। हाँ ये गाइस आरामनगर का पूरा बड़ा मंदिर है। सबसे पहले यहाँ के दर्शन करने बहुत जरूरी है। और ये आंटी भाई साहब, ये तो सबसे डेंजर है। आरामनगर तो आज पूरा का पूरा खाली दिख रहा है। सारे लग रहा है लाइन में ही मिलेंगे। यार ब्लॉगर ने दिमाग खराब कर रखा है। सारे के सारे गाइस लाइन में लगेंगे। चलो देखते हैं, लाइन ज़्यादा बड़ी ना हो। ऑलमोस्ट हम लोग क्रिएटिव अड्डा पहुँचने वाले हैं। तो ये रहा आरव फिल्म्स। ब्लॉगर्स ने दिमाग खराब कर रखा है। यहाँ तो कुछ चल नहीं रहा यार। कह रहे थे ये ऑडिशन है, खुद ही क्रिएटिव लग रहा है। यही है गाइस क्रिएटिव अड्डा। यहाँ पे अभी राइटिंग पे काम चल रहा है, स्क्रिप्टिंग पे। क्योंकि अभी राइटिंग पूरी हो नहीं पाई है कैरेक्टर्स जो हम एक्चुअली। अभी राइटिंग पूरी नहीं हो पाई है। हाँ तो कास्टिंग कैसे हो जाएगी? शायद हाँ हो नहीं। और ये सुनील शेट्टी सर का है क्रिएटिव अड्डा। कास्टिंग वे में वैसे हमारी एज का तो कुछ चल नहीं रहा। कोई बड़ा आदमी है तो 40 से 45 साल के लोगों का चल रहा है। 40 से 45 के अगर अंडर में कोई आता है तो जाके दे सकता है। कास्टिंग वे में जाके मिलो जल्दी। आरामनगर 107 में ही है भाई, आरामनगर सेकंड। बात करो भाई, बात करो भाई। यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला हमें तो। ये स्मार्ट स्मार्ट लॉन्डो घूम रहे थे हम लोग लेकर के, कहीं कुछ मिलेगा तो इनका भी कुछ करवाएंगे। सब बेचारे नहा धोके सज धज के आए थे। एड्रेस तो यही दिया ना? एड्रेस सही है। घर निकला कुछ निकला तुम्हें लेना पड़ेगा। हाँ चलो। हैं रास्ता कहाँ है? नहीं गाइस देख लो, यहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। यहाँ इन सब की फूली हुई है। घर में जाना है, स्कूटी का रास्ता उधर। इधर से चलो, इधर से यार पक्का। हाँ हाँ यहाँ पे पतली पतली गलियाँ हैं गाइस। एक एक गली को बारीकी से देख लो।
कहीं से भी उठा सकते हैं भाई, कास्टिंग का काम किसी भी गली से कहीं से भी उठा लेते हैं, हर गली छान मारो आरामनगर की। ये देखो गाइस, ये खुफिया रास्ता है, क्या पता हमें सुनील शेट्टी के घर पे ले जाए और वहीं से हमारी कास्टिंग हो जाए। वो वाह गाइस, देखो यहाँ पे तीन तीन एसी लगी हुई है। देवल का बेटा देख रहे हो गाइस, मैंने कहा था ना पतली गली में कुछ ना कुछ तो मिलता है। ये भी देखो गाइस, यहाँ पे हीटर भी मिल गया हमें, बताओ। ऐसी फालतू चीज़ें मिल जाएंगी, ऑडिशन की जगह नहीं मिलेगी, सारे देखो परेशान में पड़े हैं, बट मज़ा आ रहा है मेरे को तो सबको लेके आगे घर से। सारे के सारे घर पे सोए रहते थे कच्चे में हाथ डाल के हानी तो सारे घूम रहे। देखो ये मॉडल है गाइस, ये मॉडल है। यश भाई एक बार लुक देना पीछे। ओ भाई साहब किलर, बचपन में अभी इनके जैसी बाल रखना चाहता था, बट मेरे बाल जो बच्चे हुए थे वो भी साइड से उड़ रहे हैं यार, क्या करूँ मैं, परेशान हो चुका हूँ इस ज़िंदगी से। ये देख रहे हो बदमाश वाला लुक है नहीं लग वो गाइस, ये देखो चिड़ियों को खाने के लिए एक आता है, इसमें दाना रख के चिड़िया को पानी भी दिया जाता है और सबको पानी से ज़्यादा सबको प्यास लग रही है गाइस। और हमारे में एक बंदे के पास बोतल है लेकिन इसे झूठा कर दिया, झूठा कर दिया, तो आपको इसका झूठा पानी तो पिएगा नहीं ना। ये होता है गाइस घर से बाहर निकलना, पका हुआ इमली। वाओ वो भैंस की आँख, नहीं यार उसमें धूल बैठ गई है, छोड़ो हटाओ। गाइस यहाँ पे शाम को भंडारा है 8:30 बजे, तो यहाँ पे आना है पक्का। देख लो ये वर्सोवा में साईं बाबा का मंदिर है, आरामनगर फर्स्ट में यहीं पे भंडारा है, 8:30 बजे रात को आना है पक्का। हमारे लाविस भाई ने पूछ के बताया है। भाई मैं हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पे कास्टिंग होती है और ये कास्टिंग करने वाला हमारे साथ घूम रहा है।